छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सो आज मेरे पास है पॉकेट मेड ब्लूटूथ स्पीकर जो आपको देखने को मिलता है एमकेट की तरफ से। अब ये डिवाइस 1100-1200 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इस बजट के अंदर आपको स्पीकर्स तो काफी सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर एक छोटी सी दिक्कत है कि वहां पर आपको साउंड के साथ और स्पेक्स के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन ये डिवाइस थोड़ा डिफरेंट है। सो पहली बात, ये सिर्फ ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, यहाँ पर आपको FM रेडियो का ऑप्शन भी दिया है और ये सबसे मेन रीजन है इस डिवाइस को यूज करने का, क्योंकि FM सुनने का मजा तो रेडियो के अंदर ही आता है। फोन में सुनोगे तो लाउडनेस इतना अच्छा नहीं मिलेगा और फिर एंटीना के लिए आपको हैंड्स फ्री वगैरह यूज करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, रेट्रो वाली फीलिंग कैसे आएगी, वही आपकी पुरानी मेमोरीज। इस डिवाइस के जो लुक्स है ना बहुत ही अट्रैक्टिव है, कोई भी आपके हाथ में देखेगा ना तो ये जरूर से पूछेगा यार ये क्या चीज है। ये डिवाइस कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आता है, काफी लाइट वेट है, कैरी करना बहुत ही आसान है। अलग से आपको यहाँ पर स्ट्रैप का ऑप्शन भी दिया है, तो बस पॉकेट से निकालो और शुरू। वैसे मेरे पास 2 यूनिट है, तो एक मैं अपने पापा को देने वाला हूँ क्योंकि उनको FM सुनने का थोड़ा ज़्यादा ही शौक है, और एक आप में से किसी एक को दूंगा क्योंकि हम इस प्रोडक्ट का एक का गिव अवे करने वाले हैं, उसकी डिटेल भी आगे शेयर करूंगा। अभी डिवाइस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है, फ्रंट में यहाँ पर इसका स्पीकर आउटपुट है एमकेट की ब्रांडिंग के साथ, और यहाँ इसका पूरा कंट्रोल सेंटर काफी सारे बटन्स के साथ, और हाँ एक छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले भी है। FM की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपको एंटीना दिया हुआ है, टॉप में USB पेन ड्राइव का ऑप्शन है, साथ में ऑक्स आउटपुट है, चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया है और साथ में वॉल्यूम कंट्रोल। वैसे साइड में यहाँ पर अलग से कार्ड लगाने का ऑप्शन भी है, तो मेमोरी कार्ड लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब इस डिवाइस के साथ एक चीज बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पर आपको अलग से रिचार्जेबल बैटरी दी गई है, वही रेट्रो फिल देने का ट्राई किया, मतलब सेल लगाओ फिर चलाओ। 1500 mAh की बैटरी है, तो बैटरी बैकअप आपको इसके साथ में अच्छा खासा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप जरूरत पड़ने पर इसको एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। तो ये मैंने इसको फोन से कनेक्ट किया और देखो होने लगा ना चार्ज। तो ऑन करने के लिए पावर बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना है। डिफॉल्ट में ब्लूटूथ मोड है, FM रेडियो के लिए मोड बटन को सिंगल प्रेस करना है, दैट्स इट। आप चाहो तो पेड़ से फ्रीक्वेंसी खुद डाल लो, या फिर नीचे मोड बटन है ना उसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखोगे तो ऑटो सर्च अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। चैनल्स को आगे पीछे करने के लिए बटन्स दिए, वॉल्यूम भाई इसका साउंड तो काफी लाउड है। अब यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन कौन सा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कनेक्टिविटी काफी फास्ट है, जैसे आप ब्लूटूथ मोड को प्रेस करोगे इंस्टेंटली आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। चलो सारी बात हो गई, अब इसके साउंड टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मेरी पंतिया से उसे नचाने का शौक है, मैं नाचता फिरूं। 5 वोट के साउंड आउटपुट के अकॉर्डिंग तो भाई डिवाइस की जो साउंड क्वालिटी मुझे काफी सही लगी। साउंड में एकदम क्लियरिटी है, लाउडनेस आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है और साउंड फटता नहीं है। ट्रेबल और बेस यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट है, एकदम पंची बेस आपको फील होगा। इसके अलावा FM रेडियो के साथ में इसका जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही गजब का था। अगर बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि इसके साथ में आपको 11 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन जितना अभी तक मैंने इसको यूज किया है 70-80% के वॉल्यूम पर अगर आप रखोगे तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। बाकी देखो बैटरी बैकअप यूजर टू यूजर वेरी करता है, कितने वॉल्यूम लेवल के ऊपर आप पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करते हो। बाकी बैटरी को चार्ज करने में आपको 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर ऑक्स आउट के थ्रू बड़े स्पीकर्स को भी इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, साउंड आउटपुट बहुत ही कमाल का होता है। मेमोरी कार्ड और USB पेन ड्राइव आप अलग से यूज कर सकते हो। अब करने को तो देखो आप फोन के साथ भी ये चीज कर सकते हो, लेकिन वहां पर फोन अलग से डेडिकेटेड यूज होता है और कॉल और मैसेज के नोटिफिकेशन अलग से, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, लेकिन ये डेडिकेटेड डिवाइस है इस चीज के लिए, तो ये चीज बहुत ही सही है। तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली डिवाइस मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, अपने पेरेंट्स वगैरह को या फिर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डिवाइस का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। आप गिव अवे की बात कर लेते तो इसका गिव अवे मैं करने वाला हूं, बस आपको वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट पूरा करना है। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से टारगेट पूरा करवा दो ताकि इसका गिव अवे करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।